जन्मभूमि टाइम्स में हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर जिला बरेली के तहसील फरीदपुर से है, जहां गौरक्षक टीम ने दो ट्रक गाय से भरे हुए फरीदपुर हाईवे पर स्थित गुरुद्वार पर पकड़े गए, जिसमें एक गाड़ी में 13 और दूसरी गाड़ी में 9 गाय भरी थी, जिसमें 5 गाय के बछड़े थे और ड्राइवर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर बताया गया है कि व्यापार करते हैं और पंजाब अमृतसर से गुवाहाटी आसाम जा रहे हैं। सूचना पर फरीदपुर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी और गाय और गाड़ी चालकों को हिरासत में लिया और गाड़ी चालक से कागजात गाय के बारे में जानकारी ली। वहीं इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने मरी हुई गाय का डॉक्टर को बुलवाकर पीएम रिपोर्ट कराई और मरी हुई गाय का अंतिम संस्कार करवाया, तब जाकर गौरक्षक टीम शांत हुई। बरेली से रियाज अली, ब्यूरो चीफ। नीरज कुमार सिंह, मैं कई संगठनों में कई दायित्व है मेरे पास। मैंने आरएसएस से हूँ, सह विभाग गौ सेवा प्रमुख, और हिंदू शक्ति दल से महानगर गौ सेवा प्रमुख, और राष्ट्रीय योगी सेना से जिलाध्यक्ष बरेली। क्या मामला है? ये मामला सूचना मिली थी मुखबिरों द्वारा कि हमें सूचना मिलती रहती है, आए दिन लोग लगे हुए हैं हमारे गौ सेवक लोग, सूचना मिलती रहती है, कहीं ट्रक रुकते हैं तो दिख जाता है, कहीं भनक लग जाती है तो सूचना मिलती है तो हम लोग सतर्क हो जाते हैं सभी लोग। ये टीम है हमारी, सब लगी हुई है। ये दो गाड़ियाँ हैं जिसमें 22 गौ बंद से, जिसमें 2 ख़त्म हो गए हैं और जो ख़त्म हुए उसके पैर बंधे हुए हैं। आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर लेके आएगा पालने के उद्देश्य से तो कोई पैर बांध के लेके आता है क्या? गाय 22, एक में 13, एक में 9। किस जगह पकड़ी गई? ये फरीदपुर में। अच्छा, इसकी सूचना आपने पुलिस थाने को दी? हाँ, SSP साहब को दे दी गई है, थाने को दे दी गई है, सभी लोगों को दे दी गई है, सब लोग मौजूद। हाँ, SSO साहब आए हुए हैं, हाँ टीम आई हुई। उन्होंने क्या कार्रवाई की? वो तो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये खरीद के लेके आए हैं और ले जा रहे हैं पंजाब। आपका क्या सोचते हैं? मेरा ये कहना है कि ये गाय 1-1 किलो दूध नहीं देंगी। आप किसी को भी दूध के देख सकते हैं, इसे कौन लेगा? ये तो अपने कॉमन सेंस की बात होती थी। और दूसरी बात, जो गाय ख़त्म हुई है उसके पैर बंधे हुए हैं, जो दो गाय ख़त्म हुई है पैर बांध के कोई लेके आता है, ट्रक बिल्कुल बंद है, हवा की कोई व्यवस्था ठीक है, कोई वो नहीं है। ऐसी लेके कोई व्यापारी लेके आएगा, 1 गाय 50,000 की लेके आए, जो 2 खुद ही मार ले, आदमी प्रॉफिट के उद्देश्य से लेके जाता है और क्या मार लेगा खुद ही? क्या गाय लाने वाले आरोपी पे क्या कार्रवाई होगी? भाई जो गौ तस्कर पर कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौ हत्या और ये सब कटने जाए, सभी लोग हैं, इतने लोग मौजूद हैं, आप सभी से पूछ सकते हैं या बताइए। सभी लोग पुराने गौपालक हैं, देख रहे हैं। हाँ, गौपालक हैं सब सब। आप क्या कहना चाहेंगे? हम गई गौ रखते हैं, गौ सेवा करते हैं गौ की। जो घटना घटी है संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मन में क्या कहना चाहते हैं? खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये जो गाय है, हाँ, ये पैर बांध के लाए, ये जो गाय है, हाँ? ये कैसी गाय है? आपने गाय ये गाय जरती है, ये दूध देने वाली गाय है? दूध देने वाली है तो ठाली, 1 किलो दूध नहीं है, दूध नहीं है ना, सब ठाली गाय है, गाय पुरानी। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें, वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।